हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी, आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है, अभी टाइम 7 बज गया और अभी हम लोग सो रहे हैं। यहाँ पर मुस्कान है और यहाँ पर मैं हूँ। और आज ना मैं बहुत देर तक सो रही थी, वरना तो मैं 6 बजे उठ रही थी। आज पता नहीं मेरे को कैसे नींद आई। और अभी मामू भी आए थे उठाने के लिए और मामी भी आए हैं, तो बोलते उठ जाओ। और बाहर इतनी तेज़ धूप लग गई है, तो चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको और शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। वाह, यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। धूप लगी है, मस्त वाली धूप लगी और बाहर शान हुआ कहीं। मामू आज सुबह सुबह तैयार हो गए। मामू तो देखो जल्दी, क्योंकि मामू शादी में जा रहे हैं, इसीलिए मामू तैयार हो गए। यहाँ देखो जी, ये देखो शाम सूखा ओढ़ना। हाँ चलो, क्योंकि मामू वगैरह शादी में जा रहे हैं, जो इनके गांव से है ना, वहाँ से आज मामे जाते हैं। तो यहाँ देखो सब लोग तैयार हो गए पेटीकोट पहन के। जब भी हमारे यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह होता तो पेटीकोट तो पहनते ही पहनते हैं, और अच्छा भी लगता है फंक्शन वगैरह में पेटीकोट पहनते हैं। तो नीचे नाना नानी भी बैठे, छोट मामू भी तैयार हो गए। तो यहाँ देखो, अब जाने से पहले जो भी मामे के साथ जा रहे हैं उनको तिलक वगैरह लगाएंगे। कई जगह तो माला भी डालते ना, बट हमारे नहीं लगा डालते माला, हमारे सिर्फ तिलक लगाते हैं ना हम। देखो मामू को भी लगाएंगे। यहाँ शानू, इसको शादी में जाने का मौका नहीं मिला, इसीलिए रो रहा है। देखो ये तो अभी मामू वगैरह चले गए और थोड़े से ही मामे थे, क्योंकि वो मैरिज ना मंदिर मैरिज है, वहाँ पर थोड़े लोगों को ही मतलब है, तो कम लोग गए हैं मामे। बना दी। और अभी देखो 8 बजे वाली बस भी आ गई है। और आज मौसम ख़राब सा है, बादल बादल से है। देखो आई थिंक आज बारिश होएगी, जैसे शादी वगैरह का लगन होता है ना, तो बारिश तो आती ही आती है वैसे। बाकी देखते हैं बारिश आएगी कि नहीं आएगी। और हमारी साइड भी आज शादी है, नानी को मेरी शादी की बहुत जल्दी, हमेशा बोलती है कि हाँ तेरी बुड्ढे हो गए बाप, नानी बुड्ढे हो गए, बाहर देख रहे बुड्ढे हो गए। और नाना को मेरे नाना की क्या स्टाइलिश टोपी लगाई है, नाना की टोपी कितनी सुंदर है। आगे क्यों लगाते हैं आप, आपका माथा बहुत चौड़ा चौड़ा की है। हमारा लंबा खंबा, ये है मेरा मुस्सा, ये मेरा मुस्सा दीदी से बहुत लंबी है, ये दीदी से बहुत लंबी है। नहीं मैंने खाना, तो आज हमने बनाया है पुलाव और मटर का पुलाव, थोड़ा सा दे दो। बस 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 नानी, हमने बनाया है आज सुबह सुबह मटर का पुलाव। नाना का बहुत मन था मटर का पुलाव का, तो मैंने बोला नानी को कि चलो मैं नानी मैं बनाती हूँ आज नाना के लिए मटर का पुलाव, अब हम खा देंगे। नाना भी आ गए, अब नानी हमारे को दे दे खाना। होली खेली इसने साथ, अच्छे से बोलता। अब गिना आपने स्कूल, अब गिना आपने स्कूल, मेरा वो मेरा स्कूल गिना आपने। अब मैं बताती हूँ, पहले घर थी, फिर उसके बाद गई थी मैं 6th पढ़ने, प्राइवेट स्कूल था। हाँ फिर उसके बाद 7th और 8th की मैंने यहीं से, यहाँ खड़ी से, फिर 9th की मैंने तांडी स्कूल से, फिर 10th की मैंने वीनस स्कूल से, फिर प्लस वन प्लस टू की मैंने, फिर 68 है। आपने कब किया था फोन? कौन जीतेगा ये लगाए, ये कौन जीतेगा लगता है? मुस्कान कहते हैं मेरे लिए ए वोट करे, इसके लिए बी वोट करे, बी 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 मुस्कान 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 मुस्कान
मुस्कान लगा लगा, इज्जत रख, शानू जीतने वाला शायद। बहुत ही तगड़ा मुकाबला लगता हुआ। चलो जल्दी करो। गाइस देखिए मैच स्टार्ट हो रहा है। शब्बू वर्सेस शान चौहान, शब्बू ठाकुर वर्सेस शान चौहान। 1 2 3 स्टार्ट। शान और मामी देखते कौन जीतता है। 1 2 3 शान, शान पूरा शरीर हिला रहा है। मामी तो टस से बस नहीं हो रही यार। मामी ने बाजू खड़ा चक लिया है। मामू ने, मामू ने चिट्ठी खाई, मामू ने छेड़ा मामी को। नो नो बायोलॉजिकली भाई बहन है पर हमारे मम्मी पापा का नाम अलग अलग है। ये देखिए शान की बॉडी सूखा हुआ डंडा। हमारी माता पिता थोड़े फ्रैंक है, अगर आप लोग एक कोशिश घर में करेंगे तो आपको अच्छा जी शान से बच के रहिए। अच्छा।